डियर स्टूडेंट्स, आपका क्लास 12 था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाना विधि 10 है, मेथड 10। वार्तालाप पर आधारित वाक्यों के अपेक्षित वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना यह टॉपिक है। उपरोक्त टॉपिक में रिकॉर्डेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं अथवा रिकॉर्डेड स्पीच और वास्तविक वार्तालाप होता है। इस टॉपिक में जो रिकॉर्डेड स्पीच होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वाक्य आते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्यों को रिकॉर्डेड स्पीच कहा जाता है वो विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं या रिकॉर्डेड स्पीच के द्वारा माध्यम द्वारा पारस्परिक वार्तालाप होती है। इस टॉपिक में तो देखिए वार्तालाप है वाक्यों में मिश्रित वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। उपरोक्त टॉपिक में रिकॉर्डेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं अथवा रिकॉर्डेड स्पीच द्वारा पारस्परिक वार्तालाप होता है। उपरोक्त टॉपिक का इनडायरेक्ट बनाने हैं तो पूर्व के नियमों का सूत्रों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल फॉर इनडायरेक्ट पहला है जैसे हरि से टू मोहन। हरि ने मोहन से कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये तो वाक्य आ गए और ये एक प्रकार से यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट बनेगा इसका। तो हरि हो गया प्रश्नोत्तर का केस है, पहला रिकॉर्डेड स्पीच है, ये प्रश्नोत्तर पार्ट में दूसरा प्रश्नोत्तर पार्ट है तो इसको प्रश्नोत्तर पार्ट होने पर रिकॉर्डिंग में सेतु का आस्क हो जाएगा। हरि सेतु मोहन तो आस्क मोहन और कामा इनडायरेक्ट कामा को हटा करके ये प्रश्नोत्तर शब्द वाक्य यहाँ लग जाएगा और फिर तुरंत प्रश्नोत्तर का बनने का साधारण वाक्य तो इसलिए योर नेम यहाँ ही बनने में करके आ जाएगा। योर मोहन से संबंध है इसलिए योर प्रसंगी होने पर मोहन का प्रसंगी भी आ जाएगा इसलिए और इसको आगे लगा के पास कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास कंटिन्यूअस में। एंड करते हैं प्रिय विद्यार्थियों आप इस वाले रिपोर्टेड स्पीच जो इस प्रश्नोत्तर का इसको इसके साथ फिर इनडायरेक्ट में कर लेंगे। सो एंड करते हैं फिर जो है एंड करते हैं फिर ये हरी लिखेंगे और सेट तो मोहन है तो अगेन कर देंगे। एक बार आस्क आ गया था तो दोबारा आ रहा है तो अगेन आस्क कर देंगे। अगेन आस्क करके मोहन लिखिए या हिम कर दीजिए एंड हरि अगेन आस्क हिम करके अब ये वाला लिख लीजिए। जब एक बार आस्क आ गया तो मोहन के कारण इस पर समझे कारण दूसरी बार भी आस्क आएगा तो अगेन लगा देते हैं दोबारा आने पर तो अगेन आस्क हिम वेयर दे देंगे। हम विधियों में बता चुके हैं तो ये अब यू आएगा साधारण कपड़ा यू आएगा यू का संबंध मोहन से है तो वेयर ही और ग्रुप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो डिड इज इक्वल टू लिव हो जाएगा तो वेयर ही लिव हो जाएगा। इस तरह से हरि ने मोहन से पूछा उसका नाम क्या था और हरि उससे पुनः पूछा वह कहाँ रहता था इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है तो टीचर से टू मीना। टीचर ने मीना से कहा हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जाम, परीक्षा में तुम कैसे योग्य हुई। तो मीना से टू द टीचर, मीना ने टीचर से कहा आई हैव डन वेरी बैडली, मैं बहुत खराब ढंग से कर चुकी हूँ। जवाब दिया मीना ने टीचर से यानी पारंपरिक वार्ता चल रही है। अरे आप बोलेंगे तो इससे क्या क्या हो गया, मिला जुला वाक्य आ गया। तो इसमें देखिए इस टॉपिक से इसी प्रकार से आते हैं वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। यहाँ पे इंडायरेक्ट में देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रश्नोत्तक है, प्रश्नोत्तक का चिन्ह लगा है, प्रश्नोत्तक में आगे ये सेतु आश्र हो जाएगा मतलब टीचर हो जाएगा। इंडायरेक्ट में सेतु का आश्र देंगे मीना कामा और ये इन्वर्टेड कामा हट करके ये हाउ आ जाएगा प्रश्नोत्तक शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नोत्तक पाठ के प्रश्नोत्तक शब्द यहाँ जाएगा हाउ और यू मीना बेटी है तो कर्ता युग मीना का कर्ता सी हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर का बनता है समान में इसके हाउ को समान का पहले कर्ता लेंगे यू मीना के लिए सी कर्ता का साथ दिया आएगा तो पास्ट इंडिफिनिट के साथ दिया डिड पास्ट परफेक्ट के साथ दिया हैव बदल जाएगा हैव बदल जाएगा और पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होता है इसलिए पेयर का तीसरा रूप पेयर हो जाएगा और इन द एग्जाम हो जाएगा। और फिर आप एंड करके जोड़ने इसको कर सकते हैं या एंड लगा के फिर स्टार्ट करके इसको फिर कर सकते हैं। चलिए पहले एंड ले लिया है एंड ले करके फिर यहाँ देखिए ऐसा दे रही है
साधारण वाक्य है तो सिंपल का कोड भी लिख सकते हैं, रिप्लाई भी लिख सकते हैं, आंसर भी। तो चलिए मैंने कोड दिया, एंड बिना दिखा मैंने सिंपल को बोल कर दिया जाता है। सिंपल सेंटेंस होने पर इंपोर्टेंट इज पी कोड कर दिया तो जिंदा दिया गया, और कॉमा और कॉमा हटा करके सिंपल सेंटेंस होने पर डट जाता है। तो ये डट कर गया, आई जो है बिना के लिए है और बिना स्पेस लिंग है, इसलिए क्या कहा है यहां पर बिना का करता है यस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायता लिया है, बदल करके हेड हो गई और पास्ट परफेक्ट हो गई है। पास्ट परफेक्ट के हेड के बाद ये वर्ब का फॉर्म बन गया और ये मेरी पार्टी उतर गया। यानी कि टीचर ने मीना से पूछा वह कैसे योग्य हो चुकी थी परीक्षा में, और मीना ने बताया टीचर से कि वह बहुत खराब ढंग से कर चुकी थी। तो इस प्रकार से यह डाट बन गया अपने विद्यार्थियों। आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसके बाद की और भी टॉपिक्स जो है अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। धन्यवाद।